वेलकम टू ऑल ऑफ यू क्लास सिक्स इंडिया फिजिकल डिवीजन। कल तक हम लोगों ने कहाँ तक की पढ़ाई कर ली थी? माउंटेन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा हिमालय के विषय में, काराकोरम के विषय में, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक के विषय में, एक संपूर्ण अध्ययन, एक पूरी परिचर्चा। और मैंने कहा था कि इन माय नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर के पर्वतीय मैदान। नॉर्दर्न प्लेन्स का मतलब क्या हो गया? उत्तर के पर्वतीय मैदान। सही बात बोलोगे, बिल्कुल सही। उत्तर के पर्वतीय मैदान का स्वरूप बड़ा ही व्यापक, उत्तर के पर्वतीय मैदान का जो स्वरूप है वह बड़ा ही व्यापक है। क्यों? चूंकि इसमें हम चर्चा करेंगे, इसमें हम चर्चा करेंगे मूलतः तीन भागों की। पहला, जो उत्तर का पर्वतीय मैदान है उसको तीन भागों में बांटकर पढ़ने की आवश्यकता है। पहला इंडस बेसिन, दूसरा गंगा बेसिन और तीसरा ब्रह्मपुत्र बेसिन। सो इट्स फैक्ट दैट द नॉर्दर्न प्लेन लाइज इन साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। यह सही बात है कि उत्तर के पर्वतमाला के दक्षिण में अवस्थित है, लेकिन इसको समझने के लिए इसको तीन भागों में विभक्त करना होगा, इंडस बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्रा बेसिन। एंड ऑलमोस्ट जो स्ट्रेच है इसका उत्तर पूर्व से लेके ब्रह्मपुत्र के तरफ वह तकरीबन 2500 किलोमीटर का है। कितना है? 2500 किलोमीटर। और इसीलिए इतने लंबे फैलाव के कारण इसको तीन भागों में बांटा गया, ताकि हमें इसकी वस्तु स्थिति की जानकारी हो, मौलिकता की जानकारी। पहला क्या है? इंडस बेसिन। डेफिनेटली बाय द नेम इंडस बेसिन मींस इट इज ड्रेन्ड, मतलब ये किससे सिंचित होने वाला है? ड्रेन्ड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास। पांच नदी, सिंधु नदी और पांच सहायक, सतलज, रावी, झेलम, चेनाब और ब्यास, इनसे प्रभावित होने वाला यह क्षेत्र है, और या कहें इस पर आश्रित रहने वाला यह क्षेत्र। द रिवर इंडस राइजेस बियॉन्ड द हिमालय, जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी, इसका उद्गम स्रोत हिमालय के पीछे मानसरोवर लेक के पास है। एंड इट फ्लोज नॉर्थ वेस्टवर्ड एंड मेक्स अ यू टर्न टुवर्ड साउथ वेस्ट बिफोर फॉलिंग इन टू द अरेबियन। एकाएक यह यू टर्न लेता है और कहां जाकर समावेशित हो जाता है? अरब सागर में, अरेबियन सी। मोस्ट ऑफ दिस प्लेन, बेसिकली याद रखना है कि हम लोगों में ज्यादा क्या है? गंगा है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र है। सिंधु जो नदी का जो बेसिन है, इसके अधिकांश भाग कहां अवस्थित है? पाकिस्तान। कहां अवस्थित है? पाकिस्तान। एंड इन इंडिया पंजाब एंड हरियाणा, इन इंडिया पंजाब एंड हरियाणा कम्स अंडर दिस इंडस बेसिन। समझ में आ गया? मतलब ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन में है, पहला इंडस बेसिन है, पांच नदियों के क्षेत्र के बीच है, लेकिन यह मूलतः पाकिस्तान के लिए है। भारत में सिर्फ हरियाणा और पंजाब इसके अधीन आने वाले क्षेत्र हैं। तो यह प्रमुख बेसिन, प्रमुख जो आपका बेसिन है, मैदानी इलाका नहीं है, बल्कि हमारे लिहाज से, कृषि कार्यों के लिहाज से जो मुख्य मैदानी इलाका है वह क्या है? गंगा बेसिन। क्या है? गंगा बेसिन। तो अब हम किसकी चर्चा करेंगे? गंगा बेसिन की। अब इसमें तो कहना ही नहीं। मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन लाइज इन द रीजन, फैक्ट है। द गंगा बेसिन ड्रेन्स, गंगा बेसिन से सिंचाई की व्यवस्था
कहाँ कहाँ है जो प्रभावित होता है, जो लाभान्वित होता है? उत्तर प्रदेश, नॉर्थ मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान। राजस्थान तक में गंगा नदी के पानी को पहुंचाया गया है, उत्तरी उत्तर मध्य प्रदेश में पहुंचाया गया है। गंगा ऐसे ही जीवनदायिनी नदी नहीं है, या जहां बहती है वहां भी और जहां तक संभव है वहां भी इसके जलों को ले जाया जाता है। और यही कारण था कि इस नदी में जल की उपलब्धता के कारण ही एक जमाने में माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री महोदय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक परियोजना बनाई थी, जिस पर अब काम चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा, कि भाई तमाम बड़ी नदियों को जोड़ दो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ताकि कभी भी सूखे की समस्या न। तो दो परियोजनाएं थी, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना और यह नदियों को जोड़ने की परियोजना। तो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना तो हो गई, पूरे भारत में जो है एक मेन रोड का जाल बना दिया गया है जो तमाम महानगरों को जोड़कर रखता है, लेकिन नदियों को जोड़ने का काम जारी है। लेकिन नदियों को जोड़ने का काम जारी है, सिर्फ एक ही नदियों को जोड़ने का काम क्या है, जारी है। यह चीज आपको याद, बेसिकली गंगा नदी जो है आपके किताब के अनुसार गंगोत्री से निकल, मतलब अभी भी तुम लोग बच्चे हो, मतलब अभी भी तुम लोग बच्चे। चूंकि मेरे हिसाब से गंगा कहीं से निकलती ही नहीं, लेकिन आपके किताब में है तो अभी आप लोग भी याद रखिए, हम भी बच्चे थे याद रखते थे, फिर पढ़ते पढ़ते जाने। वस्तुतः गंगा नाम की किसी भी नदी का उद्गम कहीं भी नहीं होता है, इस चीज को याद रखिए। गंगा तो नाम है, गंगा तो नाम है, गंगा एक नाम है। वह नाम कहाँ मिलता है, देवप्रयाग में मिलता है। वह नाम कहाँ मिलता है, देवप्रयाग में मिलता है। गंगा का तो कहीं उद्गम ही नहीं। अलकनंदा, मंदाकिनी, तरह तरह की सभी नदियां मिलते 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 एक स्वरूप में आती हैं, और देवप्रयाग वह जगह होता है जहां कहा वहां पर इसका नामकरण होता है गंगा। और अगर आपको इस गंगा के उद्गम के विषय में समझना है तो YouTube पर मेरा एक दूसरा चैनल है ऋषि द क्रिएटर, उसमें नदी के उद्गम, उसमें आप गंगा नदी का खोजिएगा, आपको मिलेगा कि कितने तरीके से बताया गया है कि वो देवप्रयाग में बनती, नामकरण उनका, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक ठीक है भाई, गंगोत्री में, यमुना यमुनोत्री में, चलो ठीक। बेसिकली घाघरा, गोमती, गंडक, कोशी, चंबल, बेतवा, सोन, दामोदर आर द रिवर जो गंगा में मिल जाती है और गंगा के साथ मिलकर प्रवाहित होंगी। वस्तु स्थिति है कि जो नदियों का जाल है, विच इज प्रेजेंट ऑन योर 52 पेज नंबर 52 लेफ्ट हैंड, आप देखेंगे कि गंगा सदा नीरा है, मतलब एवरग्रीन, हमेशा पानी रहा। लेकिन उसके बावजूद गंगा को सामर्थ्यवान बनाने में इन नदियों का, चाहे वह उत्तर से आने वाली नदियां हो, गंडक हो, गोमती हो, कोशी हो, या दक्षिण से मिलने वाली नदियां हो, चंबल, बेतवा, सोन और दामोदर, यह गंगा की कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम, यह गंगा की कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम। और यही कारण है कि गंगा बेसिन का क्षेत्र जो है ना वो काफी व्यापक है। गंगा नदी का जो बेसिन का जो क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, काफी व्यापक हो जाता है। अब क्या है गंगा के बाद, बोलोगे सिंधु हो गया सर, गंगा हो गया सर, तीसरा ब्रह्मपुत्र। बेसिकली याद रखना है ब्रह्मपुत्र का भी उद्गम स्थल मानसरोवर है, लेकिन यह मानसरोवर से पूरब बहता है, जिसके कारण यह अधिकांश कहाँ है, चाइना में, अधिकांश कहाँ है, चाइना में, या फिर पूर्वोत्तर भारत से भारत में प्रवेश करता है और फिर बांग्लादेश से होते हुए
बंगाल की खाड़ी में समावेशित हो जाती। ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं मानस, बाराली, तीस्ता, धनसिरी, दीज आर द रिवर जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। एंड जो मैंने कहा कि मानसरोवर से निकली और पीछे की ओर गई वो सिंधु थी, मानसरोवर से निकला और पूरब की ओर बहा वो ब्रह्मपुत्र था। अधिकांश भाग कहाँ है? चाइना, तिब्बत के पठार। एंड ब्रह्मपुत्रा इज कॉमनली नोन एज सांगपो, सांगपो नदी के नाम पे जाना जाता है इसको। कहाँ? चाइना। कहाँ जाना जाता है? चाइना। और गंगा और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में पहुंचते हैं तो दोनों मिल जाते हैं। एंड क्या निर्माण होता है दोनों के मिलने से? गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, जिसे हम और सुंदरबन के नाम से जानते हैं। मेजर पार्ट सुंदरबन डेल्टा का कहाँ है? बांग्लादेश में। मेजर पार्ट सुंदरबन डेल्टा का कहाँ है? बांग्लादेश में है। इस चीज को आपको याद रखना है। अब ये अलग बात है कि भारत में कम भी है तो दीदी ने अभी जो तूफान आया था तो 10,000 करोड़ राशि मांग ली दीघा के लिए और 10,000 करोड़ सुंदरबन डेल्टा के लिए, जबकि अधिकांश भाग कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। सो दिस वन इज द जर्नी और कंटेन फॉर इंडस बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्रा बेसिन। थैंक यू।